भाई टार्जन खुल के आ गया आज गांव में। ओ नाचो कितना लग रहा है। अबे चले तो भाई ये सीन कल सुबह 11 बजे हुआ, तो भाई मैं वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं कर रहा था, ऐसी मैटिंग कराने गया था। तो भाई ये पता नहीं अचानक से कहाँ से भाई अपनी रस्सी वस्सी तोड़ के आया, इसका मालिक बता रहा था मुझे। तो भाई क्या हुआ, इसने सीन क्रिएट कर दिया घना तगड़ा। इसने भाई पिलिया को स्मेल कर लिया था, तो भाई पिलिया के ऊपर जैसे अटैक वगैरह कर रहा था या सूंग वगैरह रहा था, तो भाई थैनोस इसके बीच में आ गया कि भाई हम बिगड़े यहाँ पे। तो भाई उसके बाद बहुत बुरी लड़ाई हुई भाई इन्हों की, वीडियो में दिखा नहीं सकता क्योंकि भाई पहले भी एक स्ट्राइक आ चुकी है अपने चैनल पे। तो भाई बहुत ही ज्यादा बुरा सीन हो गया था वहाँ। कंट्रोल से दर्द करेगा पकड़ ले। चल बस 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 इसे ना होती दिक्कत सुए हुए से। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो गए। भाई आज क्या हुआ, हम मैटिंग करा के आ रहे थे ना उसकी, सुबह सुबह मुझे फोन आया मेरे दोस्त का कि भाई मैटिंग करानी है। मैटिंग के लिए डॉग तो कोई और से यूज कर रहे थे, बता रहा हूँ तो भाई मैटिंग के लिए डॉग तो कोई और से यूज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मैटिंग नहीं हुई भाई सक्सेसफुल। उसके बाद मैंने थैनोस को ले गया, थैनोस को ले जाने के बाद भाई मैटिंग कराने के बाद हम घर आ रहे थे, बीच में भाई पाकिस्तानी बुल्ली मिल गया एक, वही टार्जन जो कुछ दिन पहली वीडियो में मेरी था। तो भाई उसने थैनोस को इतना मारा ना, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। थैनोस थक रहा था भाई मैटिंग की वजह से, तो भाई कम से कम 15 मिनट तक उसने थैनोस को मारा बहुत बुरी तरीके से, और भाई थैनोस थका हुआ था मैटिंग करके। मैटिंग करने के जस्ट बाद भाई वो पता नहीं कहां से आया, तो भाई मैं बाद में उसके मालिक के पास भी गया, तो वहां पे कोई भी नहीं था भाई, वो जंजीर तोड़ के आया था। तो भाई उसने इतना मारा थैनोस को बहुत। तो भाई ये देखिए, ये सभी निशान उसी डॉग ने किए हैं, अभी नहलाया ये मैंने, गर्दन पे और फेस पे भी थे, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा मुझे डॉग। अगर थैनोस मारने पे आता तो अच्छी तरीके से मार दे, उसने बाइट बहुत अच्छी तरीके से करा, लेकिन फिर भी कोई भी किल्ला वगैरह अंदर नहीं गया स्किन के भी। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई यो नहीं दिया, नहीं यो पक्का मारती उसे। प्लीज सर आपसे दरख्वास्त है सर, आप मुंह धो के आइए बिल्कुल। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। पिटाई चिटाई कराने के बाद इसके लिए लाए चिकन, चिकन खा के थोड़ा गुस्सा हो जाएगा, भूल जाएगा मेरी पिटाई भी हुई थी। गजब बेइज्जती। चल ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया बना खिलाऊंगा इसे। तो भाई मैंने ठीक से चेक नहीं किया था कि एक्चुअल में कितनी ज्यादा चोट लगी है, तो उसका दिन सही था भाई, उसका बिल्कुल भी चोट नहीं लगी डॉग के, थोड़े बहुत मुंह पे लगे होंगे किल्ले। तो भाई वो इतना ज्यादा भारी था, अपना थैनोस दबा रखा था उसने भाई पैरों के नीचे, तो भाई काफी घबरा गया था मैं भी उस टाइम, मुझे नहीं पता था कि उस पे बाइट भी नहीं करी जा रही ढंग से, और लगा तो ऐसा था भाई जैसे वो जान से मार देगा। बहुत देर तक लॉक करे रखा भाई, बहुत अच्छी ग्रिप लगा दी उसने, थैनोस का भाई मूड खराब हो गया। बैक फाइट करी थैनोस ने, बहुत बढ़िया बैक फाइट करी, लेकिन भाई बहुत थका पड़ा था, क्या करता, औरत का चक्कर बाबू भाई औरत का। कल का दिन था हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खराब, उसे पता नहीं कहां से खबर मिली कि भाई आज मैटिंग करके थका पड़ा लड़का, लेकिन भाई हैरान की बात है उसका एक भी किल्ला अंदर नहीं गया था ना, उसके किसी भी स्किन के अंदर गया ही नहीं, उसने पूरी तेज तेज बाइट करा, लोको वगैरह भी लगाया बढ़िया करके, तो ठीक ठाक लोग लगा दिया था भाई उसने। तो भाई मैंने उसे खूब ही मारा, लेकिन उसने अटैक नहीं करा, ये भी खतरा था भाई मेरे पे भी अटैक कर सका था। तो भाई हमने पूरा घर ही किराए पे दे रखा, तो भाई इसने ये बल्ब ले रखा किराए पे, भाई ये बल्ब पे बैठा रहा 24 घंटे, इसका नहीं पता केजी में इसके, और भाई दो इसके ऊपर बैठे रहे और भाई दो इधर बैठे रहे, यहाँ कबूतर गन्ना हो रहा भाई। भाई अब तो इन स्ट्रिक्ट डॉग से इतना गुस्सा आने लग गया, इन्हों का ये हाल है, थोत्ता जाना और बोल लगा ना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। भाई उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि उस टाइम ये ग्रिप भी नहीं बना पाया था बिल्कुल भी, क्योंकि भाई उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा और था, उसने गर्दन वगैरह पे ग्रिप बनाई भी, लेकिन थोड़ी बहुत देर बाद भाई वो छूट गई थी, मतलब ऐसी नहीं ग्रिप बनी थी कि एक पिटबुल जैसे दूसरे पिटबुल पे बना हुआ है। कहना क्या चाहते हो? तो भाई थकान होगी से कहीं जाते हैं, जो एक ऐसी ब्रीड है किसी भी ब्रीड को हरा देगी भाई। भाई इसमें इतना गुस्सा है, एक तो इसके कटोरे में कोई खा नहीं सकता, और भाई घर में कोई कुत्ता आ गया तो इसकी निगाह रहेगी उस पर। तो भाई उसका कोई भी किल्ला वगैरह गया नहीं स्किन में अंदर, पता नहीं क्या बात हुई। यहाँ हमारे घर में सबसे छोटी सदस्य है, इसके सिर पे सिर्फ 2-3 बाल ही है बड़े से, देखियो और बाकी भाई और बाकी बाल नहीं है बड़े, यही 3-4 बाल हुए बड़े। वो क्या बॉडी है भाई की, क्या बॉडी है भाई। अभी हम दिखाते हैं भाई कितना फ्रेंडली है, जानो जिससे मिलो ए, अभी हम बैठाएंगे थैनोस के ऊपर। तो भाई समीक्षा बैठ गई थैनोस के ऊपर, थैनोस कान पाड़ दो इसके। तो भाई इसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं बच्चे वगैरह से, और बहुत ज्यादा ठीक रहा बच्चों के साथ तो। और ए, ए भाई ए ए चला गया, घेर के चला गया भाई। तो भाई वही 11 बजने का टाइम हो गया, और हम चलते हैं ड्यूटी के लिए। ये बन गया शाखा,
टिक्का भी नहीं था ना, टिक्का लगाया तो सही टिड्डा टिड्डा लगा क्योंकि कैसा लग रहा आप तुम्हें नहा के? अच्छा लग रहा। क्या हाल है भाई के? भैया बढ़िया, एक जगह स्टेबल खड़े हो जाओ तो मैं तो इजीली पप्पी वगैरह कर दो। थानोस के अभी सिवान से करवाएगा, सिवान थानोस को पप्पी करो, पप्पी कर दो। तो भाई इतना फ्रेंडली है थानोस बच्चों के साथ, भाई इतनी अच्छी तरीके से रहा है अभी तक, भाई साहब इसने घुर्राया भी नहीं है किसी के ऊपर, तो इतने प्यार से रहता है बच्चे वगैरह के साथ। भाई देखो कितना ज्यादा परेशान कर रहा है सिवान से, भाई सिवान से इतना ज्यादा परेशान कर रहा है ये हो गया परेशान, भाई परेशान हो गया उठ के चला गया। आज की मजदूरी करते हैं यहीं पे खत्म, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि 14% लोग ही ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, अरे नहीं भाई किसी ने नहीं कर रखा। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।